दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली अपडेट भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के विस्तार को लेकर है, जिसके तहत अब भारत अपने कई बड़े शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट अब नियोमा एयरफील्ड के बाद अगले एयरबेस को अपग्रेड करने से जुड़ी है, जिससे भारत पूर्वी सीमा पर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा मजबूत कर सकता है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का विस्तार कर रहा है, और मीडिया में आई लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी से इस बात को कंफर्मेशन मिल गई है कि भारत बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में एक नया रडार इंस्टॉलेशन स्थापित कर रहा है। भारत के आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु के उत्तर पूर्व में ये रडार इंस्टॉलेशन देखा गया, जहां पर भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकता है, जहां भारत अपना सबसे एडवांस और लंबी दूरी तक ट्रैक करने में सक्षम स्वॉर्ड फेस रडार इंस्टॉल करेगा, जो 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। इसी के साथ यहां पर कई ऐसी फैसिलिटी का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल को रख सकते हैं, जिससे दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक करने के बाद तुरंत उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि बेंगलुरु के पास बनाई जाने वाली इस फैसिलिटी में कई ऐसे सिस्टम भी होंगे, जिससे भारत द्वारा डेवलप किए जाने वाले नए रडार को टेस्ट किया जा सकेगा, और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए जवानों की ट्रेनिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो भारत के लिए अच्छी बात है। बता दें कि ये नया रडार स्टेशन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर बेंगलुरु और हैदराबाद को परमाणु हमलों से सुरक्षा प्रदान करेगा, जबकि फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश में दो और BMD फैसिलिटी मौजूद है, जो भारत के दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर दिल्ली और मुंबई की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का विस्तार कर रहा है, जिसके तहत हम हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता समेत कई दूसरे बड़े शहरों को बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए BMD सिस्टम को तैयार करेंगे, जिससे भारत की 140 करोड़ की जनता परमाणु हमले के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हो सकती है। बता दें कि फिलहाल भारत अपने BMD प्रोग्राम को अपग्रेड भी कर रहा है, जिसके तहत हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण में भारत दुश्मन के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को खुद से 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर की दूरी पर ही नष्ट करने में सक्षम होगा, जो भारत के लिए काफी बड़ी क्षमता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन है, जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। वे हमेशा ही भारत के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनाकर रखते हैं, जिससे निपटने के लिए इस तरह की तैयारी भारत की जरूरत है, और यही कारण है कि भारत इसराइल के तर्ज पर अपनी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये अपडेट भारत के एक दूसरे एयरबेस को लेकर है, जिसमें बड़े अपग्रेड की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये अपडेट एक ऐसे समय पर सामने आई जब हमने 24 घंटे पहले ही आपको बताया था कि भारत 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले नयोमा एयरबेस को अब बहुत जल्दी बनाकर पूरा कर देगा। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार असम के डिब्रूगढ़ में मौजूद भारत के चाबुआ एयरबेस को बड़ा अपग्रेड मिला है। इस एयरबेस में किए गए नए अपग्रेड को डिटेल से समझे तो सबसे पहले यहाँ पर हथियार रखने के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण किया गया, जहां पर मिसाइल और कई दूसरे म्यूनिशन रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इस एयरबेस के शेल्टर को अपग्रेड किया गया, जिससे एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर पर अगर कोई हमला होता है तो ये शेल्टर उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस एयरबेस के टैक्सीवे और नेविगेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया, जिससे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के लिए उड़ान भरना और लैंड करना आसान हो जाएगा। साथ ही चाबुआ एयरबेस को एक नया रडार सिस्टम भी मिला। अगर समझने की कोशिश करें तो अपग्रेड की लिस्ट काफी लंबी है, और इस एयरफोर्स स्टेशन को तेजी से अपग्रेड किया गया है। असम में होने की वजह से चीन सीमा से इसकी नजदीकी भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से भारत इस एयरबेस को इतनी तेजी के साथ अपग्रेड कर रहा है, जिससे इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री कैपेबिलिटी अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, और रीजन में भारत के पास एयर सुपेरियरिटी भी आ चुकी है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत चीन की तरफ से मिलने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा मजबूत कर रहा है,
2023 में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2900 करोड़ रुपए की कीमत से भारत के 11 राज्य और यूनियन टेरिटरी में 90 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें से 26 लद्दाख में मौजूद है। इन सभी प्रोजेक्ट से भारत का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और हम चीन सीमा पर ज्यादा सरलता से मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जो हमें भविष्य की चुनौतियों और सैन्य संघर्ष के लिए तैयार कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस बेमिसाल तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।